जीवन ही मेरा संगीत है। अगा जा आम्ही म्हणतो आम्ही मागच्या वेळ लढलो। नमस्कार, मैं हूं निर्मल त्रिवेदी और आज हम हैं नागपाड़ा जो दक्षिण मुंबई में पड़ता है। जी हां, यहां पर भी जो दक्षिण मुंबई में नागपाड़ा के जो एरिया है उस कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए है हमारे यहां के अमीन पटेल साहब। यहां पर कुछ लोगों की आज अलग समस्या है जो आपको दिखाने पर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, यहां पर जो आपको स्थानीय निवासी दिख रहे होंगे जो मेरे पीछे काफ़ी संख्या में मौजूद है, इनके घर उजाड़ दिए गए। आप देख सकते हैं इनके घर उजड़े हुए हैं। यहाँ पर कभी बिल्डिंग हुआ करती थी और बड़ी बिल्डिंग बनाने का वादा किया गया था। जो सामने आपको दिख रही है वैसी बिल्डिंग जो है, लोगों को पक्का घर देने का वादा किया गया था और ये मासूम लोग जो है, जो निर्दोष लोग है यहाँ पर, जिन्होंने भरोसा किया और आज वो बेघर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ मैदान है सामने आपको दिखेंगे और लोग दिखेंगे उदास मायूस, जिनके घर जो है यहाँ पर एक घर हुआ करता था वो आज एक जमीन जोस्त एक मैदान दिखेगा आपको। ये वही लोग आपको सामने दिखेंगे जिनके साथ ये अन्याय हुआ है। अब ये आपको डिसाइड करना है, आपको इसका फैसला लेना है कि आखिर इन सब बातों का जिम्मेदार कौन है। हम बात करेंगे यहाँ के जो स्थानीय निवासी है जहाँ इनके घर हुआ करते थे और नए घर का वादा किया था, आखिर पूरा माजरा क्या है। हम लेमन न्यूज़ के माध्यम से आज आप तक पहुंचाएंगे इनका दर्द, इनकी बात की आखिर उनके साथ हुआ क्या है। जी आप अपना नाम बताइए और आप क्या करते हैं? शेख इम्तियाज है मेरा, मैं साइबर कैफे में काम करता हूँ। जी यहाँ पर आपका भी घर हुआ करता था और आप इस किसी कमेटी में काम कर रहे हैं ये बिल्डिंग की? जी हाँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ इस कमेटी का अभी फिलहाल, और मैं यहाँ पे रहता था। बिल्डर ने 6 साल पहले खाली करवाया और इसको ग्राउंड जीरो बना के रख दिया कि बोले भाई 3 साल में बिल्डिंग बना के दे दूंगा। 3 साल से लेके आज 6 साल हो गया है, उसका NOC कैंसिल हो गया है, उसका IOD कैंसिल हो गया है। कौन बिल्डर कौन था, क्या नाम था बिल्डर? जावेद मेमन पैराडाइज कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो चेंबूर में भी और उसका बहुत सारे स्लम रीडेवलपमेंट में उसके प्रोजेक्ट चालू है, और सीधा सीधा साफ बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, और अगेन एंड अगेन वो प्लान डालता है BMC में, जो उसमें खामियाँ होती है BMC ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट करती है और टाइम बाय कर रहा है। और महाड़ा में हम लोग अप्रोच किए, लोकल MLA को अप्रोच किए, इवन सचिन भाव आहिर वो सीधा सीधा महाड़ा अथॉरिटी के सामने बोलता है आई एम अबव द लॉ, आई डोंट केयर फॉर महाड़ा, आई केयर फॉर द एग्रीमेंट विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड एट ऑल। और हाई कोर्ट का ऑर्डर है हम लोगों के हक में कि भाई विदाउट रजिस्टर एग्रीमेंट महाड़ा कैन नॉट रिन्यू द NOC, महाड़ा NOC रिन्यू नहीं कर सकती, और महाड़ा ने उसके 2 बार NOC रिन्यू किस हक में करी है, हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। हम लोग लोकल MLA को अप्रोच करते हैं, दे वेलकम अस, बट देयर इज नो परमानेंट सॉल्यूशन ऑन दैट। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय MLA उनकी तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है। बात सचिन भाई अहिर जो है उन तक भी गई थी लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं मिला है। आप देख सकते हैं लोग परेशान हैं और कुछ और चीज़ें भी उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या वजह बताते हैं इसकी, कि जिस तरह से जब एग्रीमेंट आपका हुआ था या बात हुई थी उस समय पर कहा गया था कि हम बिल्कुल डेवलपमेंट करके बताएंगे, अब आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई? उसने बोला कि दो साल में मैं बिल्डिंग खड़ा करूँगा। एक बात, उसने रजिस्टर एग्रीमेंट नहीं कराया, तो रजिस्टर एग्रीमेंट के लिए हम लोग ने अभी दो टेनेंट लोग कोर्ट में गए, जिसको सिर्फ उन्होंने सिर्फ इतना बोले वी आर नॉट अगेंस्ट रीडेवलपमेंट, और हमको खाली रजिस्टर एग्रीमेंट चाहिए, दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो सिर्फ रजिस्टर एग्रीमेंट के लिए टाइम बाय करने के लिए वो गया कोर्ट में और उनसे 3 साल तक लड़ता रहा और फैसला हमारे हक में हुआ। ये 3 साल पहले की स्टोरी थी, फैसला हमारे हक में हो गया। उसने हाई राइज के इसमें जो 23 फ्लोर्स का परमिशन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिसाब से, उसने 40 फ्लोर का माल बेच चुका है और उनके पैसे दबा के बैठा है, अभी भी उनका भी पता नहीं है। कम से कम वी हैव अक्यूमुलेटेड द फाइनेंसर विच हु हैव बुक द फ्लैट दैट कम्स टू 8 crores, हु हैव जॉइंड अस इन द मीटिंग। देख सकते हैं आपकी लोगों के साथ में किस तरह की कालाबाजारी हो रही है, किस तरह से धोखा हो रहा है और मासूम लोग जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं, चाहे वो बिल्डर लोबी हो चाहे राजनेता हो। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि मिली भगत जो है वो साफ दिख रही है। कुछ महिला है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइए आपका नाम?
मेरा शगुफ्ता सलीम सैयद जी, क्या मामला है आखिर? जो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट की बात कही गई थी और अब जो है मामला पेच में फंस गया, आपके यहाँ के एमएलए उनके पास आप कभी गए, बात की क्या हुआ? हम लोग यहाँ पे एमएलए के पास गए थे, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किए, उनके थ्रू हम लोग होम मिनिस्टर जी 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 बताइए वहाँ से हम लोगों को ये मिला, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम लोगों को छह जी सपोर्ट किया आपके एमएलए ने, लेकिन आके खड़े रहे या ये बोला कि नहीं अब ये काम हो जाएगा या बिल्डर से बात? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्डर को हम लोग माड़ा तक पहुंचे, वहां से भी हमको कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि उसका एनओसी खत्म हुआ फिर भी उसको माड़ा ने 3 महीने का कैसा टाइम दिया वो हमारे समझ में नहीं आया, जबकि 3 महीने के पहले उसकी एनओसी कैंसिल हो रही है फिर भी उन्होंने। जी 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 जी, कुछ और लोग भी उनसे जानना चाहेंगे जी, आप बताइए क्या है? हमारे बिल्डिंग के पड़ोस से काफी साल से रह रहे हैं और ये 6-7 साल से परेशान है, इनका कोई मसला हल नहीं हो रहा है और लोग कुछ ज्यादा ही परेशान है, उसमें से कुछ मेरे ये सब दोस्त यार है जो साथ में हम लोग छोटे से बड़े हुए ले, और बहुत ज्यादा परेशान है, इनका कैसा भी करके सॉल्व करो, ये लोग को अपने घर दिलाओ, जो बहुत ज्यादा ही परेशान है लोग। जी बिल्कुल, लोग काफी परेशान है, यहाँ पर देख सकते हैं लोग जो है परेशान है अपने घरों को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि मुंबई में एक छत होना सबसे बड़ी बात होती है, इंसान को खाना मिल जाता है, इंसान भूखा सोता नहीं है, भूखा उठता है, मुंबई की एक खासियत है, लेकिन यहाँ पर छत की जो समस्या है कभी हल नहीं होती, और अगर ऐसे में जो घर है उनको उजाड़ दिया जाए तो वो काफी दुखदायी होता है। कुछ और लोग हमारे साथ में, जी आप बताइए यहाँ पर जो समस्या है वो आपके यहाँ के एमएलए जो सिटिंग एमएलए उनके पास लेके गए तो किस तरह से क्या रिप्लाई दिया उन्होंने? अरे हमारे एमएलए तो बोलते हैं हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की तकलीफ हम समझते हैं अपने दिल में, हम जानते हैं कि तुम्हारी ये तकलीफ, हम लोग आज 6 साल से भाड़े पे, लेकिन तकलीफ समझना और रोड पे होना अलग बात होती है, आप जिस तरह से प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या? बहुत परेशान है आज 6 साल से, हम लोग खाने का पैसा हमारे पास नहीं, लेकिन तभी हम लोग कैसा भाड़ा हम लोग अपने जेब से लगा के भर अपने जेवर गहने बेच के अपना खर्चे में से पैसे निकाल के भाड़ा भरा, हमारे को आज 2 साल से भाड़ा भी बंद कर दिया, और 8,000 भाड़ा देता है, 8,000 में कहीं भी हमको घर नहीं मिलता है, 7,000 में कहीं भी हमको घर नहीं मिलता है, हम लोग ऐसे अपने जेब से भाड़ा लगा के भर रहे, हम लोग बोल हमको भाड़ा बढ़ाओ तो बोले नहीं अगले साल से, फिर क्या हम नहीं भाड़ा बढ़ाएंगे, जाओ तुम माड़ा में जाओ, माड़ा तुमको जहाँ देगी वहाँ रहो, अब हम लोग इतनी दूर दूर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोग काफी परेशान हैं, यहाँ पर जो एक साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर से सेटिंग है, जिसकी वजह से बिल्डर बिल्कुल बेखौफ है, यहाँ पर उसे किसी भी तरह का डर नहीं है, चाहे यहाँ के लोकल प्रशासन की बात करें या ऊपर के लेवल की बात करें, सपोर्ट काफी मिल रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। और भाई साहब हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। जी आप बताइए कि आखिर आप जब गए समस्या है लेके, आपके स्थानीय नेता भी है, किस तरह का रिप्लाई मिलता है आपको? मैं तो पहले लेमन न्यूज को थैंक यू जो हम लोग को कवर कर रहा है, और जो मास है जो यहाँ पे एंटी ड्रग्स के लिए गया, जब मैंने उनको कांटेक्ट किया हमारे समस्या बताए तो उन्होंने बोला कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मैं एमएलए से एमपी से यहाँ के कोऑपरेटर लोगों से कोई सपोर्ट नहीं है, उल्टा हम जाते हैं उनको इनडायरेक्टली अंडरवर्ल्ड का थ्रेट देता है बिल्डर कि भाई ये प्रोजेक्ट भाई लोग का है, ये क्या ये जंगल कानून चालू है? मैं पुलिस कमिश्नर पूछा था कि इनके बिल्डर पर क्या कार्रवाई होगी, इन पर क्या एक्शन लिया जाएगा, इनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, और ये बिल्डर 2 साल से भाड़ा दिया, मैदान बनाया, बिल्डिंग बना नहीं रहा 2 साल से। तो जब आप अमिन पटेल साहब के पास में अगर कभी लेके गए इस बिल्डर की शिकायत लेके, क्योंकि स्थानीय नेता है वो आपके, उनका फर्ज बनता है कि आपकी जो समस्या है उनको सॉल्व करने का, तो तब उनकी तरफ से क्या रवैया रहा? कम से कम हम 10 बार गए होंगे अमिन पटेल के पास, और बहुत मुश्किल से वो मिलते हैं, मतलब वो बिजी रहते हैं, उनका शेड्यूल इतना टाइट रहता है, वो कभी डोंगरी पे है तो कभी कोई मीटिंग पे है, मैं 1-2 बार उन्होंने सुना है, मगर अभी तक कोई सोल्यूशन लेके हमारे पास कोई सामने नहीं आया, और कोई मीडिया या कोई सब कैंपा कुला इधर लगे, आज हमारे बिल्डिंग 6 साल से घर से बेघर लोग हैं, लोग जा रहे हैं कुछ नहीं, हम थैंक यू बोलना चाहते हैं मास के लोग जो हमारे को ये मीडिया ला के हम लोग को आज हमारी जो समस्या है आज पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक बात है कि लोगों के मन दुखी है, वहाँ पे लेमन को पहुंचना ही है, और लेमन का काम है कि लोगों का जो मन है उसकी बात को आपके सामने रखना, और यही हम कर रहे हैं कि यहाँ पर ये आपको जो भीड़ दिखेगी वो भीड़ हमारे द्वारा जुटाई गई नहीं है, बल्कि ये लोग परेशान है, वही लोग हमारे साथ में है, कुछ और लोग भी हमारे साथ में है जिनसे बात करेंगे। जी आप बताइए मैडम कि यहाँ पर आपका घर हुआ करता था, नई घर की बात कही गई थी, अब वो घर मिलने की गुंजाइश भी कम नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगी, फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका? देखो ये घर जो टूटे है इसमें मेरे भाई का घर है, और वो एक गाड़ी धोने वाला है, और उसको अभी भाड़ा भी नहीं मिल रहा है,
ये पोजीशन में बताओ कि वो किधर रहेगा और कैसा भाड़ा भरेगा। जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या आखिर उसका समाधान क्या है, अगर हमारे स्थानीय नेता है जिनको हम वोट देते हैं, हमारे पास में वोट लेने के लिए आते हैं और वही सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो बेखौफ हो जाते हैं, चाहे बिल्डर हो चाहे कोई और फील्ड का आदमी हो, आखिर सपोर्ट करेगा कौन आम जनता का? सही सही फर्ज तो बनता है भाई, लोकल MLA MP जो भी है उनका ही काम है ये कि टेनेंट्स के साथ मिल के अथॉरिटी के पास जाके उसको सॉल्व करें, लेकिन ये सब एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, चाहे वो बिल्डर हो चाहे वो नेता हो चाहे वो कॉरपोरेशन हो, सब एक दूसरे की मिली भगत रहती है, इसीलिए आज पब्लिक परेशान है। लेकिन इस बिल्डिंग में कहा जाता है कि 400 450 लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उन वोटों को भी उनको जरूरत पड़ेगी, अगर 5 साल निकल गए तो क्या हुआ, आने वाले फिर से इलेक्शन है, कहीं ना कहीं तो उन्हें इस चीज़ का नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो किस तरह का रिएक्शन रहेगा आपका? नहीं रिएक्शन तो सबको पता है, नेता लोग क्या जब इलेक्शन आते हैं जब भी उनको वोट की फिक्र होती है, एक बार इलेक्शन खत्म हो गया तो 5 साल के लिए भूल जाते हैं, पब्लिक चाहे गटर में रहे चाहे रोड पर रहे उनसे कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोग जो है परेशान है अपनी समस्याओं को लेकर, और यहाँ पर वही ईद के चांद की बात आ जाती है जो साल में निकलता है लेकिन यहाँ 5 साल के बाद निकला करता है, वही पोजीशन यहाँ पर भी है, लोग वैसे ही परेशान है। आपको मैं फिर से बता दूं कि ये जो बिल्डिंग हुआ करती है या हुआ करती थी या होने वाली जो बात कही जाती है, वहाँ पे 450 लोग है जिनके घर है, अब 450 जो वोट है लोगों के लिए नेताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो फिलहाल नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमारे नेताओं को ये चीज मालूम होनी चाहिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और 450 वोट जो है आदमी की किस्मत का फैसला करते हैं, अगर वो भूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उनकी ना समझी है। कुछ और लोग हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। जी आप बताइए कि सैयद मुजफ्फर हुसैन है, इस बिल्डिंग में हम हमारे वालिद के साथ रहते थे, वालिद का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया, एक ही भाड़ा दिया, आज तक एक भाड़ा नहीं दिया, घर में जरा भी डिस्प्यूट होती है तो किसी का भाड़ा ही नहीं देता है वो। आज 4 साल से 5 साल से हमारा भाड़ा एक भी नहीं मिला, हम हमारे बहन भाई किस तरीके से रह रहे वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। जी जब आप बिल्डर के पास गए तो किस तरह का क्या जवाब देता है उसका? वो बोलता है तुम एक होकर क्या हो, जब एक होने का वादा वो नहीं है और मिलता भी नहीं है, और जाओ तो बस एक ही बात बोलता है हमारे पास अभी है नहीं। जी जिन लोगों को आपने यहाँ पर जिताया है, खड़ा किया है, आपका नुमाइंदे जो बने हुए हैं, अगर उनके पास गए उनका किस तरह का जवाब हुआ? उनका तो बस ले दे के एक ही सवाल होता है कि हाँ हम कर रहे आगे चलेंगे, पहली बात तो मुलाकात नहीं होती, होती है तो हमको देते हैं कुछ वक्त और उसके बाद फिर मुलाकात ही नहीं होती है, उस सिलसिले में बात भी नहीं हो पाती है पूरे तरीके से। उन्हीं ने हम लोगों को माडा तक के पहुँचाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है उसके बाद, तो वो भी नहीं, अब वो बोलते कि हमारे कॉन्टेक्ट भी नहीं होता है बिल्डर से, अब बिल्डर हमारा फोन भी नहीं उठाता, वो तो डायरेक्ट यही बात करते हैं। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि अगर एक यहाँ का नुमाइंदा जो ML है वो अगर इस तरह की बात करे कि एक बिल्डर है वो उन्हें नहीं मिलता, काफी शर्म वाली बात है, वो सोचने वाली बात है, क्योंकि ये तो आम लोग है, उनका पहुंचना दूभर होता है, क्योंकि ये लोग मिलना भी चाहते हैं तो वो नहीं मिलता है। लेकिन अगर स्थानीय MLA इस तरह की बात कहे, आप खुद सोचिए की बात में कितना दम है। पहले जिस तरह के आश्वासन मिले थे कि आपका जो काम है वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से होगा, लेकिन कुछ टाइम बीतते बीतते इन गरीब लोगों के जो भाड़े देने के पैसे थे वो भी बंद हो गए, अब लोग जो है भाड़ा किस तरह से दे उनके लिए वो बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और जब ये लोग पहुंचे हैं बिल्डर के पास में, तब उसका साफ कहना है कि आपसे जो बनता है करिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वहीं वो स्थानीय जो प्रशासन है यहाँ के MLA हैं उनके पास जब भी पहुंचे वो भी बोलते हैं कि बिल्डर तक मेरी पहुंच नहीं हो पा रही है, मैं वो मेरा फोन रिसीव नहीं करता है, वो मुझसे बात नहीं करने को तैयार है। अब क्या सच्चाई है वो तो वो खुद जाने MLA साहब, लेकिन लोग यहाँ पर परेशान है। आप देख सकते हैं, मैं बोलूंगा हमारे कैमरामैन आनंद वर्मा को कि वो लोग बताए, यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर लोग खड़े चारों तरफ और ये सभी लोग परेशान है, उनकी एक ही समस्या है कि आखिर उनका घर उजड़ गया है। 5 साल के अंदर जो वोट लेने के लिए नेता आते हैं, आज वही नेता खड़े नहीं है उनकी तरफ से जो बोल सके कि नहीं आपका जो हक है वो हम दिलाए। हो सकता है हमारी स्टोरी करने के बाद में, हमारे आप तक पहुंचने के बाद में वो आप तक पहुंच भी जाए, लेकिन आखिर भरोसा क्या कल का कि वो इस समस्या को हल करके देंगे इन लोगों को? क्या वो आश्वासन देंगे या सिर्फ आश्वासन नहीं, ऐसा एक भरोसा दिलाएंगे लोगों को कि वो इनकी जो समस्या है वो सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि वो उनका नेतृत्व करते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ में जिनसे बात करें। जी आप बताइए कि क्या आखिर बिल्डर ने जो वादा किया था कि भाड़ा भी अभी बंद कर दिया है, अब भाड़े का क्या? एक नंबर का झूठा आदमी है। और मैं सिर्फ CM साहब को ये बोलना चाहता हूँ
अगर देख सकते हो तो देखो कि आपने सिर्फ ये जो ऑर्डर निकाला है टावर बनाने का, तो लोगों को घर देने के लिए ये ऑर्डर निकाला है या बेघर करने के लिए? क्योंकि सीएम के पास हम लोग कई बार जाए, सिर्फ लेटर दो बस हो गया, सीएम ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपके स्थानीय एमएलए क्या बोलते हैं? एमएलए का तो छोड़ दो, एमएलए तो पैसे पे बिकते हैं जो भी है जी। आप जब गए तब उनका क्या? और दूसरी बात, महाडा पे जब हम लोग गए, जब हम लोग महाडा में गए पहली बार तो उसने सही बात की, सेकंड टाइम पे ये औरंगाबाद में फौजिया खान करके कोई है, उनका कार्ड ला करके उनको दिखाया, वो एकदम ठप हो गया, चुप हो गया। उसका इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मिनिस्टर का या कोई मंत्री का बिल्डर अगर कोई जान पहचान वाला है तो उसको ये क्या अथॉरिटी मिल जाती है कि लोगों को घर से बेघर कर देवे? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल ये किसी को अथॉरिटी नहीं मिलती है जी। जी 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 जी, कुछ और लोग है जी 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 जी, आप बताइए क्या क्या बताना चाहेंगे आप? देखो भाई, ये इतना नंबर का धोखेबाज इंसान है, मेरे से वादा किया कि ये बुकिंग में तुमको सस्ते में दूंगा अपना घर बेच, बुकिंग मैं रात को अपना घर बेच के सुबह में पैसा दी, मेरा खुद की छत होते साथ मैं अब आज बेघर हो गई हूँ। मेरा बच्चा छोटा सा था 1.25 महीने का, आज वो बच्चा 7 साल का हो गया है। तो आप अपने यहाँ के स्थानीय जो एमएलए साहब हैं अमीन पटेल साहब, अरे जाओ इज्जत देते, बैठाते, बात सुनते, लेकिन रिस्पांस नहीं करते। रिस्पांस नहीं करते, ये नहीं बात नहीं सुनते, बहुत अच्छे से बात सुनते हैं, सबकी हर सबके आगे पूछते भी है, और जब जाओ कुछ दिन बोलते ना जैसे गरजे वैसे बरसे, बस जब गरजते इतनी जोर से लेकिन बरसते ही नहीं ना। बिल्कुल, वाकई नेताओं की खासियत होती है आश्वासन देना, आश्वासन जो है उनसे ही उनकी दुकान चलती है, सब जानते हैं, क्योंकि 5 साल में वो एक आध बार आश्वासन देने आ जाते हैं और फिर वही 5 साल तक लोग मेघराज को ताकते रहते हैं, बादल बरसेंगे, फसल होगी, 5 साल के बाद की बात होती। कुछ और लोग हमारे साथ में जी, आप बताइए, जब कभी आप यहाँ के स्थानीय प्रशासन के पास गए, यहाँ की जो स्थिति दिख रही है, लोगों के घर छीन गए हैं, उसके बाद में क्या रिएक्शन होता है उनका? उनका रिएक्शन ये होता है, मैं एक सलीम शेख सोशल वर्कर हूँ, मैं सोशल वर्क का काम करता हूँ, मैं अमीन पटेल जी के लिए बहुत सालों से काम किया, मिलिंद देवरा साहब के लिए किया, लेकिन उन्होंने कुछ हासिल और कुछ वसूल नहीं हुआ, जबकि जनता परेशान है, उनके ऑफिस पर जाती है लेकिन वो मिलते नहीं, समझे, उनको फ़ोन करो तो बोले मैं मीटिंग में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, समझे। मैं विनोद तावड़े जी के वहाँ पर गया, विनोद तावड़े जी ने मुझसे खुद मुलाकात की, एकनाथ खड़से के वहाँ गया, उन्होंने मुझसे, जबकि वो बीजेपी और शिवसेना के विधान परिषद के अपक्ष लीडर हैं, समझे, वो हमारा सहयोग दिए उन्होंने और हमारा सहमत किया, और कल शिवसेना की और अपना जो अरविंद सावंत नया एमपी आया है उसकी तरफ से, समझे, फ्रूट एसोसिएशन। बिल्कुल बिल्कुल यह है, लेकिन आपके जो स्थानीय है यहाँ के एमएलए साहब है, उन्होंने आपको कभी आश्वासन दिया कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। आपने वोट किया होगा, जब वोट लेने आए थे यहाँ पे, आपको काफी वादे किए होंगे कि आपकी जो भी समस्या बेसिक वो सुलझाए जाएंगे। मेरे तो छोड़िए आप, समझे, मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, हाँ, प्रजा के साथ में ऐसा होता है, लोग ऑफिसों पर जाकर बैठते हैं, समझे, और बोले अमीन पटेल मीटिंग में है, अमीन पटेल विधान परिषद में है, अमीन पटेल फलानी जी जी जी, आप बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ की सच्चाई, नेताओं की सच्चाई बता रहे हैं, जो सामने है, लोग जो बोल रहे हैं वो कोई सिखाए गए लोग नहीं है, कुछ लोग जो है हमारे साथ में और है, उनसे बात करेंगे जी। आप बताइए आपका नाम? आप, मेरा नाम नूरजा है, मैं यहाँ पे 40 साल से रह रही हूँ, मेरे डैडी और पहले से रहते थे, हम लोग बहुत ओल्ड है यहाँ के, लेकिन इसने एक्चुअली क्या किया, जितने भी यहाँ पे टेनेंट है सब पुराने वक्त के हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो डिस्प्यूट करके आपस में उसने इलीगल वे पे सब खाली करवा दिया, मैं बना दूंगा 5 से 6 साल हो गया अभी। आप मतलब हम किसके पास भी, आप बोलते हैं ना कि लीडर के पास गए थे आप, अमीन पटेल के पास गए थे, हम सबके पास में गए, किसी ने अगर कुछ किया होता तो आपको यहाँ कुछ ना कुछ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि अगर उनको स्थानीय नेताओं का सपोर्ट है तभी वो इस तरह से दोष जमा रहा है, ये बात है, उसको अगर उनका सपोर्ट है तभी वो नहीं बना रहे ना, और अगर उन लोगों ने हमको सपोर्ट किया होता तो आपको यहाँ कुछ ना कुछ मिला होता बना हुआ, और हम इतनी तकलीफ में नहीं मिले होते, और हमारी तकलीफ का एहसास जब वो लोग खुद सड़क पे आएंगे ना तब पता चलेगा। मेरे घर में डायलिसिस पेशेंट है, मेरे घर में 80 ईयर्स ओल्ड वुमन है जो बेड पे है, उसके साथ में हम दो तीन साल से उसने रेंट नहीं दिया, वो रेंट लेके घर चलाना कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम वो लोग नहीं समझ सकते, तो हमको आपसे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे आवाम तक। तो लोग बोलते हैं कि चलो भाई पब्लिक का चलता है, लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अंधा कानून है, ना पुलिस वाला सुनता है, ना लीडर सुनता है, ना
कोई नहीं सुनता। सब लीगल घर होने के बाद इतनी मेहनत से इंसान जो कमाता है, सारी जिंदगी कमाता है कि मेरे पास एक खुद की छत होगी, तो वो छत हो के भी क्या फायदे की? हमारे पास तो वो छत हमने बनाए, हमारे माँ बाप ने भी इतनी मेहनत करके बनाए, लेकिन हमको क्या मिल रहा है? हम तो सड़क पे आ गए ना। बिल्कुल, लोग सड़क पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह के वादे किए गए, उसके बाद में जब काम अपना निकल जाने के बाद में, चाहे वो नेता हो, बिल्डर हो, इस तरह से लोगों को जो परेशान करने का काम हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज काफी दुखदाई है। और लोगों को इसका नतीजा जो है, नेताओं को है चाहे बिल्डर को, भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आम पब्लिक है और उसकी आह लेना काफी बुरी बात होती है। कुछ और लोग भी, महिलाएं हमारे साथ में जी, आप बताइए किस तरह की परेशानी झेल रही है, जिस तरह से आज भाड़ा भी बंद कर दिया है, स्थानीय जो नेता है आप पे वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या चाहती है आप? हम तो यही चाहते हैं कि किसी तरीके से हमको हमारा ये घर मिले। और हम सब मिडिल क्लास फैमिली हैं, बहुत परेशान हैं। 2 साल से हमको किराया भी नहीं मिलता, आज 6 साल हो गया। हर 3 महीना 6 महीना 3 महीना 6 महीना वादे किए गए, लेकिन उसका सलूशन कुछ भी नहीं निकला। अमीन सर ने हमारा सपोर्ट किया और हमको महाडा के ऑफिस तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ सपोर्ट भी नहीं मिला और कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। आज हम इस पोजिशन में हम आ गए हैं आज, और बहुत परेशान हैं। किराया भी 2 साल से बंद है जी। बिल्कुल, ये नागपाड़ा इलाका है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, लोग आप देख सकते हैं जमा है। और ये नागपाड़ा इलाका है, ये इलाका काफी हॉट केक माना जाता है, मधुमक्खी मध का छत्ता माना जाता है, जिस पर मधुमक्खियां बैठने के लिए किस तरह की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डर हो चाहे राजनेता हो, उनके लिए एक मधुमक्खी का मध छत्ता है, जिसके ऊपर बैठने के लिए वो हमेशा ललायत रहते हैं, उसका ये उदाहरण है। क्योंकि ये जगह जो है काफी गोल्ड जगह मानी जाती है, यहाँ पे जिस तरह से कैंपा कोला की बात की जाए या आदर्श सोसाइटी की बात की जाए, इस तरह की यहाँ पर भाव चलता है। बिल्डरों को मालूम होता है, नेताओं को मालूम होता है, और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो गरीब जनता भुगतती है। जो हमारे सामने कुछ और लोग हमारे सामने, उनसे बात करते हैं जी। आप बताइए, आप जब भी स्थानीय लोगों के, आपके नेता के पास गए, बिल्डर के पास, किस तरह की आश्वासन मिला या दुत्कार दिए? आश्वासन से पेट नहीं भरता, घर नहीं मिलता, छत नहीं मिलती। कई दफ़ा गए, बहुत दफ़ा गए, आश्वासन ही मिला, अभी तक कुछ मिला नहीं है। अमीन पटेल साहब ने थोड़ा सा हम लोगों को सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद पेपर वर्क तक ही रह गया। माडा ऑफिस में भेजा, वहां पर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। 6 साल हो गया, 6 साल से लोग परेशान हैं, और 2 साल से तो भाड़ा भी नहीं दे रही है, जुल्म है, जुल्म। बिल्कुल, रोड फुटपाथ पे आ गए, मिडिल क्लास लोग हैं, रोज खाना रोज कमाना, ऐसे लोग हैं इस बिल्डिंग के अंदर। सब नॉर्मल लोग, सब मिडिल क्लास के लोग हैं यहाँ पर, जितने भी हैं हमारी बिल्डिंग में, सब मिडिल क्लास के, रोज कमाने वाले, रोज खाने, जिससे उनके कमाई नहीं होगी, उनके पेट में अनाज नहीं जाएगा, ये सब मिडिल क्लास के लोग हमारी बिल्डिंग में, और सब हम लोग बेघर हो। बिल्कुल, लेकिन अब फिर से आपके MLA इलेक्शन वापस नजदीक है, वापस आएंगे, आपसे वोट मांगने, फिर आपको आश्वासन मिलेगा। डिमोलिश करने के बाद इसने हाई राइज के चक्कर में बुकिंग जो किया है, करोड़ों रुपया खा के बैठा हुआ है, अब उसके पास पैसा नहीं है, बोलता है कहीं इन्वेस्ट कर दिया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? उसने वो बोलता है, जब भी जाओ बोलता है पैसा नहीं है मेरे पास, जब भी जाओ बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तो बनाऊंगा, 3 महीने के बाद बनाऊंगा। आज 3-4 साल से 3 साल 3 महीना 2 महीना कर रहा है वो, 6 साल हो गए। जी बिल्कुल, आप बताइए, आप 6 साल का अरसा गुजर गया है। मैं शकील बोल रहा हूँ, यहाँ पर 60 साल से हम रह रहे हैं जी करीबन, और शायद हमारे वालिद वगैरह को पकड़े तो और भी ज्यादा साल से। ये हम आज 6 साल से बंजारों की जिंदगी जी रहे हैं, कभी इस पल कभी इस पल, कभी इधर कभी उधर, लेकिन नतीजा कोई खैर ख्वाह नहीं निकला। हर जगह ट्राई कर लिए, हर एक को आजमा लिए, लेकिन चीज़ वही मिली कि बस अभी हो जाएगा, जब ही हो जाएगा। बिल्डर की तरफ भी हमने सुलह सफाई के लिए काफ़ी 6-6 बार उनके पास ऑफिस के नीचे खड़े रहे, बिना आवाज़ किए खड़े रहे, और बेहिसाब किताब से हम वापस आए। उन्होंने हमको कुछ भी इस बारे में हमारी मदद नहीं की, ना वो कुछ खैर खबर रखे कि मेरे टेनेंट्स लोग को क्या तकलीफ है। जी बिल्कुल, जब आप आपके जो जब बिल्डर इस बात का सोल्यूशन नहीं निकाल पाता, तो यहाँ का स्थानीय हमारा MLA होता है या MP होता है, वो MLA जो होता है उसका खासकर एक फर्ज बनता है कि वो आगे जो आम पब्लिक है उसकी बात को बढ़ाए। जब आप उनके पास कभी गए या उन्होंने क्या आश्वासन दिया, या बस सिर्फ कोरा आश्वासन मिला, या कुछ काम भी हुआ? देखिए, अव्वल तो मैं ये बता दूं कि मैं खुद कांग्रेस का माइनॉरिटी चेयरमैन हूं जी, नाम मेरा शकील है, लेकिन हम MLA साहब से भी मिले और दूसरे लोगों से भी मिले, अधिकारियों से, लेकिन हमको कभी भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। हाँ, हमको दिलासा ज़रूर मिला जी, और हमको यहाँ से वहाँ हमारी कुर्सी खसकाई गई, पेपर खसकाए गए, लेकिन उसका नतीजा कोई भी नहीं। लोग यहाँ पर
बहुत ही दुख और तकलीफों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसका नतीजा आपके सामने है कि वो आज यहाँ खड़े हैं। करीबन 10 बजे से हम इसी इंतज़ार में खड़े हैं कि अभी हमारी आवाज़ आवाम के पास पहुँचेगी, अभी हमारी आवाज़ आवाम के पास। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ पहुँचाने के लिए ही हम यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा कि ये कोई कार्यकर्ता होने से पहले एक आम इंसान है और एक आम इंसान की जो ज़रूरतें होती है वो पूरा होना ज़रूरी है एमएलए साहब, क्योंकि आपके कार्यकर्ता जो है अगर उनके घर ही उजड़ रहे हैं तो आप पब्लिक का किस तरह से जो भरोसा जीत पाएंगे, किस तरह से भला कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए आपको समझना होगा कि आने वाले जो इलेक्शन है, अगर आप उसमें अगर आप चाहते हैं कि दूसरी बार आप उस सीट पे कायम रहे तो लोगों का दिल जीतना बहुत जरूरी होता है, उनके काम करना बहुत जरूरी होता है। कुछ और लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। जी आप फिर से बताइए, हम आपसे जानना चाहेंगे आप बोले कि क्या किस तरह से भी आपके घर उजड़ चुके हैं, आप कभी जाके देख रहे हैं कि कोई घर नहीं है, सबके घर उजड़ गए हैं, उसमें हमारा भी घर है, 2 साल से भाड़ा भी नहीं मिल रहा है। तो आपके जो स्थानीय नेता है उनके पास कभी आप गए लेके इस प्रॉब्लम को? ना ये सब हमारे जो हैं लड़के हमारे, तो क्या आश्वासन मिला आपको, क्या दिलाएंगे? इस तरह होता तो बन जाती ना बिल्डिंग, नहीं मिला तभी तो हम लोग ने आपको बुलाया कि हमारी आवाज़ कहीं पहुंचे, कोई मदद करे हमारी। देख सकते हैं वादा तो सभी करते हैं लेकिन वादा पूरा करो तो हक की बात है, हमारा वादा पहले पूरा करो, वादा सिर्फ करो मत उसको पूरा करो। जी वादे करना बहुत आसान बात होती है, वादे लोग कर देते हैं, वादों और दावों से कुछ नहीं होता, वादे निभाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वादे नेताओं को जो निभाना होता है उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। बात यही की आके रुकती है, 21वीं सदी में भी यही हालात है कि लोग जो है परेशान है, लोगों का अपना जो हक है उसके लिए वही लड़ाई जारी रखनी पड़ रही है। आखिर हमारी गवर्नमेंट होते हुए, हमारे नेता होते हुए भी अगर हालात ये है, काफी सोचने वाली बात है कि आजाद भारत की तस्वीर अगर ये है तो काफी दुख देने वाली है कि हमारे भाई आज भी हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, खुद का हक पाने के लिए वो लड़ रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ के प्रेसिडेंट साहब हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी आप बताइए यहाँ की जो लड़ाई है किस तरह से आप लड़ रहे हैं। जी आप बताइए। मेरा नाम कमर हुसैन है और हम 5 साल से घर के बाहर हैं, हमको सिर्फ 18 महीने का वायदा किया गया था कि 18 महीने में आपका घर बना के दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिला, समझे आप? नहीं, हमको हमारा घर चाहिए, किसी भी शक्ल से चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन आपने कोशिश की कि अगर बिल्डर नहीं सुनता है तो आपका जो आपने चुना है जिनको उनके पास जाकर बात करने के लिए कोशिश की, क्योंकि वही है जो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक प्रशासन होता है, एक आपका प्रतिनिधि होता है, अगर प्रतिनिधि अगर वो काम नहीं कर पाता है तो काफ़ी दुखदायी। कभी आप गए उनके पास में ये बात ले जाके आपने बताई उनको? हम लोग बराबर से दौड़ रहे हैं, सबके पास में दौड़ रहे हैं, हमको सिर्फ तसल्ली दी जाती है लेकिन हमारा काम नहीं होता है किसी भी चक्कर से। और अभी हम लोग रोड गिरोह तहरीक चलाने वाले हैं, हम रोड पर बैठ जाएंगे, घेर लेंगे। देखिए तसल्ली और तारीख, तारीख पे तारीख और तसल्ली, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर लोगों की स्थिति है। अब बुजुर्ग है हमारे साथ में, शायद उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ये प्रॉपर्टी बनाने में लगा दी होगी और सोचा होगा कि जो मेरे बच्चे हैं उनको बड़ा घर मिले, शांति से रहे, जो उन्होंने तकलीफें सही है वो लोग उनके बच्चे न सहे, उनकी पीढ़ी नहीं सहे। लेकिन आज जो नतीजा है वो आपके सामने है कि कहीं ना कहीं उनके मासूम चेहरे पर यह चीज नजर आ रही है, उदासी नजर आ रही है कि आखिर वो क्या भुगत रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी आप बताइए कि जिस तरह से बड़े घर का आश्वासन मिला आज वो घर ही नहीं रहा, क्या है? देखो भाई, हमसे बोल नहीं पा रहे हैं मगर कितना रोज से हम देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग बनेगी, बनी नहीं रहा है, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, जाने दो। देखिए ये कम शब्द बोल पा रहे हैं लेकिन इनको आप समझ सकते हैं, इनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, कितने परेशान हैं ये इस बात को लेकर कि उनका जो आशियाना था उसको उजाड़ दिया गया। उजाड़ा हुआ आशियाना तो बनने का नाम नहीं ले रहा है लेकिन लोग जो है वो परेशान ही दिख रहे हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है उस चीज का, कौन जवाब देगा इस चीज का, बिल्डर, यहाँ के MLA या कोई और? वो जनता ही बताएगी आने वाले इलेक्शनों में उन नेताओं को भी, और शायद ये नतीजा तो उस बिल्डर को भी भुगतना पड़ेगा अगर उसने भी लोगों के साथ में धोखा किया है। हमारी बात सिर्फ यही है कि ये आवाज़ आप तक पहुंचे और आप फैसला करें कि क्या सच्चाई है क्या गलत है। अगले हफ्ते
किसी और पर्सन के साथ हम फिर से मिलेंगे और नई समस्या के साथ में। आप हमें अपनी समस्या के लिए इस नीचे लिखे फोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी निर्मल त्रिवेदी को आनंद कैमरामैन के साथ में इजाजत दीजिए। नमस्कार।